आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 6 चेंज अराउंड अस को पढ़ेंगे। हम यह सोचते हैं अगर हमें अचानक मैजिकल पावर मिल जाए तो हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को बदल दें, जैसे किसी की नाक बड़ी कर दें, राजा बन जाएं, उड़ने लगें आदि। आप भी तो कुछ करते होंगे ना, जैसे अगर आपको मैजिकल पावर पर मिल जाए तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्त के कान खींचेंगे ना पीछे से, तो ठीक उसी प्रकार। लेकिन हमारे पास कोई मैजिकल पावर तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आसपास ध्यान से नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे चेंज टाइम टू टाइम होते रहते हैं, जैसे फसल का बड़ा होना, पेड़ से पत्तों का गिरना और फिर से पत्तों का आ जाना, हमारे हेयर का बड़ा होना, नेल का बड़ा होना, बच्चों की हाइट का बढ़ना आदि। इनको हम वेरियस ग्रुप्स में बांट सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 6.1। कैन ऑल चेंज ऑलवेज बी रिवर्स्ड, मतलब क्या सभी चेंज हमेशा रिवर्स हो जाते हैं, कि जैसे पहले था उसी अवस्था में पुनः आना हम रिवर्स कहते हैं। जैसे अगर पानी को बर्फ़ में जमा दें तो हम उसे फिर गर्म करें तो फिर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, रिवर्स हो गया, रिवर्सिबल है। तो अब हम आगे देखते हैं, जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो वह बड़ा हो जाता है, और यदि हम उसमें से हवा निकाल दें तो वह पुनः अपने पहली अवस्था में आ जाता है। लेकिन हम अगर पेपर को काट देते हैं तो उसे पुनः ठीक उसी प्रकार नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर में देखते होंगे, जब आपकी मम्मी आटा गूंथती हैं तो फिर उसे पुनः वापस पाउडर फॉर्म में अर्थात फ्लोर में नहीं लाया जा सकता है। और जब हम उसकी रोटी बना लेते हैं तो क्या वह डो के फॉर्म में आ सकता है, ये चीज़ें वापस अपने पहले की अवस्था में नहीं आ सकती हैं। यदि कोई चीज़ वापस अपनी पुरानी अवस्था में ना आ सकती हो तो उसे रिवर्सिबल नहीं कहते हैं, तो उसे इरिवर्सिबल कहते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, जो चीज़ें अब पुनः अपनी वापस अवस्था में ना आ सकें उन्हें इरिवर्सिबल कहते हैं, ठीक है, अर्थात वो रिवर्सिबल नहीं हैं। इसी प्रकार यदि आप पेपर शीट को काटकर प्लेन बनाएंगे तो उसे पुनः पेपर शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम तो इसे ग्लू की मदद से जोड़कर पुनः पेपर शीट में बना लेंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये ठीक उसी प्रकार से नहीं जुड़ पाएगा और उसमें जोड़ पड़ जाएगा। आप चाहे इसको जोड़ के एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसे आप कबीरदास के दोहे के माध्यम से समझ सकते हैं, रहमन धागा प्रेम का जो तोड़े चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रेम के बंधन को एक धागे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि अगर बंधन टूट गया है और उसे फिर जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगा। कबीरदास जी यहाँ रिश्ते और धागे दोनों को इरिवर्सिबल बता रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जब पेपर को जोड़ेंगे तो ठीक पुनः उसी प्रकार से जैसे पहले था वो पेपर अपने प्लेन अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं 6.1। इसमें देखते हैं क्या है, सम कॉमन चेंजेस, मतलब कुछ चेंजेस। तो यहाँ पे जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, चेंज एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ क्या है, कैन बी रिवर्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिवर्स हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो हम पहले देख लेते हैं चेंजेस। रॉ एग टू बॉयल्ड एग, मतलब जब आप कच्चे अंडे को उबाल देते हैं तो वो क्या पुनः अपने पहले वाली अवस्था में आ सकता है, तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नो, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, बैटर टू इडली। तो बैटर से जब हम इडली बना लेते हैं
तो क्या आप उसे वापस कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम इडली से बैटर नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ्स, तो मतलब अगर आपका कपड़ा गीला हो गया तो उसे आप सुखा सकते हैं, तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है यस कैन बी रिवर्स। फिर हम क्या देखेंगे, वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, ठीक है। तो निटेड स्वेटर मतलब कि जब आप स्वेटर बुन लेते हैं यार्न से, तो क्या आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा है, निटिंग कैसे होती है, एक सिंगल यार्न से होती है, तो सिंगल यार्न को खोला जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेन टू इट्स फ्लोर, तो अगर हम ग्रेन को पीस कर उसका फ्लोर यानी आटा बना देते हैं, तो क्या वो कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपको लिखना है नॉट रिवर्सिबल, मतलब नो। तो कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठीक है, आपका दूध मान लो गर्म हो गया है, तो उसे आप ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा हो गया है तो फिर से गर्म कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, स्ट्रेट स्ट्रिंग्स टू ए कॉइल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है यस रिवर्सिबल। तो मतलब आपको अगर कोई स्ट्रेट मतलब सीधा धागा दिया जाता है, तो आप उसे कॉइल कर सकते हैं और कॉइल से स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं बट टू फ्लोर, क्या आप जो फूल की कली होती है और फूल होते हैं, तो उनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब अगर फूल था तो उसको फिर से कली बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉट रिवर्सिबल। तो यहाँ पे लिखना है आपको नो, मिल्क टू पनीर, तो अगर हम मिल्क से पनीर बना लें तो नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काउ डंग टू बायोगैस, तो ये भी नॉट रिवर्सिबल है। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेच करके फिर आपको जो रबर बैंड है वो फिर से अपने नॉर्मल साइज में ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, ठीक है। तो आपकी अगर आइसक्रीम पिघल गई है, उसको आपको फ्रीजर में फिर से रखेंगे तो ठंडा होकर फिर से आपकी आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है यस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, हमारा है 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग चेंजेस, तो हाँ बिल्कुल भी आप यहाँ पे अदर वेज हैं चेंज लाने के लिए। जैसा कि आपने अपने अगर आसपास कहीं देखा हो, किसी ब्लैक स्मिथ की दुकान हो, मतलब लोहार की दुकान हो, तो वहाँ पे हथौड़े और लोहे के काम किए जाते हैं, वहाँ पे औजार बनाए जाते हैं, ठीक है, फावड़ा बनाया जाता है। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं फावड़ा में हैंडल लगाया जाता है, तो क्या होता है कि जो उसका होल होता है यानी ब्लेड का होल होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। जब हम उसमें वुडन हैंडल फिक्स करते हैं, तो उससे पहले उस होल को गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसमें वुडन हैंडल आसानी से फिक्स हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे औजार दिए गए हैं। ठीक इसी मेथड का उपयोग हम व्हील में रिंग फिट करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे रिंग को व्हील में, व्हील मतलब क्या होता है, पहिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे फिट हुआ है। तो यहाँ पे एक बूझो और पहेली, दो शरारती बच्चे हैं। तो बूझो सोच रहा है कि क्या तार कोल को मतलब तार को दोबारा कन्वर्ट मतलब रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी किया जा सकता है। जैसा कि आपने अपने घर के आसपास देखा होगा कि जब सड़क बनती है, तो वहाँ एक ब्लैक मटेरियल गर्म करके रोड में यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसे फिर से अगर ठंडा करेंगे तो फिर से वो तार अपने उसी पोजीशन में आ जाएगा जैसा कि पहले था। ठीक इसी प्रकार पहेली भी यहाँ पे है। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी अपने आसपास ब्लैक स्मिथ यानी लोहार को
मटेरियल को बदलते देखा है, ये मतलब टूल्स जो आयरन के होते हैं उन्हें बनाते देखा है और उनके शेप कैसे बदले जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि लोहे को गर्म किया जाता है, एकदम रेड कलर जब हो जाता है तो उसे पीट पीट कर उसका शेप और साइज बदल दिया जाता है। तो पहली जानना चाहती है कि क्या उसको रिवर्स उसी अवस्था में लाया जा सकता है। हाँ, तो बिल्कुल भी उसको उस पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे एक्टिविटी 7। इसमें हमें पूछ रहा है कि अगर आप एक कैंडल को जलाते हैं तो क्या वह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ सकता है, मतलब कि जितना लंबा वो पहले था क्या जलने के बाद उसे उस लंबाई में लाया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि जो उसके अंदर का धागा यानी यान था वो छोटा हो चुका है। अगर आप वैक्स ले लें और उसको एक प्लेट में रख के नीचे से गर्म करें और पिघला दें तो क्या आप उसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं? तो हाँ, अगर वैक्स को गर्म करके उसको ठंडा करेंगे तो फिर से पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यही क्रिया एक इंसेंस स्टिक्स के साथ, मतलब एक अगरबत्ती के साथ करेंगे। तो क्या अगरबत्ती को जलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो जल जाएगा, अब वो एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ धुआं निकलेगा जो बहुत सुगंधित होगा, मतलब प्लेजेंट स्मेल देगा। समझ रहे हो ना, जैसे आपके यहाँ पूजा होता है तो आपकी मम्मी घरों में जलाती हैं। तो ये इरिवर्सिबल है, इसको हम पुनः अगरबत्ती में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दूध से अगर हम पनीर बना दें तो नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है पनीर को पुनः दूध में। और अगर हम नमक और वाटर के घोल को देख लें तो ये रिवर्सिबल है और इसको हम पुनः रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पानी और नमक का जो सॉल्यूशन होता है उन दोनों को कैसे अलग किया जाता है। हम पानी को गर्म कर लेते हैं और नमक उसमें रह जाता है और पानी वाष्प बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम समंदर से नमक को निकालते हैं। आपने देखा होगा कि दही बनाने के लिए दूध में थोड़ी सी दही डालते हैं और दही बन जाती है, तो क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब दही बन जाता है तो पुनः उसे दूध में रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ में परिवर्तन लाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे उसको गर्म करके या फिर मिक्सिंग करके, मतलब एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को मिक्स करके हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो कुछ में क्या होता है कि वो अपनी पुरानी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम रिवर्सिबल कहते हैं, और कुछ में क्या होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसे अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। और आगे देखते हैं, चेंजेस में अकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और मिक्सिंग इट विद द सम अदर्स। तो एक जो चेंज होता है वो कैसे लाते हैं सब्सटेंस में, हीट करके, मतलब उसे गर्म करके, या फिर किसी और पदार्थ के साथ मिक्स करके। तो अब हम एक्सरसाइज को देखेंगे इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू वॉक थ्रू द वाटर लॉग्ड एरिया यू यूजली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय द फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। हाँ, तो बिल्कुल भी रिवर्स कर सकते हैं। आप अगर अपने पैंट को फोल्ड कर लेते हैं तो फिर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो अगर आपका खिलौना गिर गया और टूट गया, ठीक है, तो आप जरूर चाहेंगे कि ये ना हो, तो क्या आप इसे रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आपका खिलौना टूट गया है तो टूट गया है, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता है, पुनः नहीं बन सकता। अगर उसे किसी प्रकार से जोड़ भी लेंगे तो उसमें जोड़ पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपना प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। सम चेंज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल्स,
फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दिया है यहाँ पे चेंज और कैन बी रिवर्स और नॉट, तो ये हमें बताना है। तो पहला देख लेते हैं सेविंग ऑफ पीस ऑफ वुड, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लकड़ी को जब हम टुकड़ों में काट देते हैं तो पुनः उसे उसी पोजीशन में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कैन नॉट बी रिवर्स। तो अगला देख लेते हैं हमारा ये है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, तो अगर आइस कैंडी आपकी मेल्ट हो गई है तो क्या होगा, उसको पुनः उस फॉर्म में लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एस। तीसरा देख लेते हैं डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, अगर चीनी पानी में घुल गया है ठीक है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, जैसा कि आप नमक करते थे ठीक है, उसी प्रकार से ये भी होगा। द कुकिंग ऑफ फूड, तो अगर हम फूड को बना लेते हैं यानी पका लेते हैं तो क्या, अगर आपने चावल बनाया तो क्या चावल को फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है नो। द राइपिंग ऑफ द मैंगो, अगर आम पक गया है तो क्या उसे फिर से कच्चा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो। द सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब अगर दूध फट गया है तो क्या उसे फिर से दूध में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ आप लिखेंगे नो। अब आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए ड्राइंग सीट चेंज व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर आप पेंसिल से किसी सीट पे बनाए हैं तो उसे मिटाकर रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने उसमें कलर का यूज कर दिया है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल को, कि रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल जान लेते हैं। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जल जाता है ठीक है, और जब हम उसे ऑफ करते हैं तो फिर से वो बंद हो जाता है ठीक है, तो इस प्रकार वो रिवर्सिबल है। तो और अगर हम आइस को ले लें, आइस को अगर हम गर्म कर दें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वाटर को फिर से हम कूल डाउन कर दें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल रिवर्सिबल चेंज के देख लेते हैं, मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, ठीक है, अगर हम पेपर या लकड़ी को जला देते हैं तो उसे फिर से हम पेपर या लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है, तो इसे इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। आगे हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, अगर हम मिल्क से दही को बना लेते हैं तो हम फिर से दही से मिल्क नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इरिवर्सिबल चेंज ठीक है। तो और एक एग्जांपल देख लें ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, तो अगर ये बड़े हो गए तो उनको फिर से हम छोटा नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें भी हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसी प्रकार आप कुछ और एग्जांपल मतलब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के देखेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए थिक कोटिंग ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब POP इज पाइल्ड ओवर द बैंडेज ऑन द फ्रैक्चर बोन, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर बोन इमोबिलाइज, कैन द चेंज इन द POP बी रिवर्स्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं जब आपको चोट लग जाती है या हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं तो आपको क्या करते हैं POP कर देते हैं, हाथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब लगा देते हैं पट्टी जिससे आपका हाथ सही हो सके। तो इसे हम अगर POP को एक बार लगा दिए हैं तो उसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी बदल देता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ए बैग ऑफ सीमेंट लेइंग इन द ओपन
gets wet due to rain during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the change which have occurred in the cement could be reversed? तो बिल्कुल भी नहीं रिवर्स हो सकता है। एक बार अगर सीमेंट भीग गया और उसको अब कितना भी सुखा लें, लेकिन वो अपने पुनः सेम उसी पोजीशन में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये इनरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।